दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों हम आज आपके लिए एक और अपडेट लेके आए हैं। अपडेट शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों तो आज जो अपडेट है वो है एचपी एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बॉक्स इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पे स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स नियर लिफ्ट कार्ड शिमला में ये इंटरव्यू होने वाला है, बॉक्स इंटरव्यू। यहाँ पे क्या है कि पोस्ट क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों पोस्ट रहने वाली है वो है, यहाँ पे पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से एक बार मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की अंडर द RKBY, ये मतलब कोई संस्था है, कोई मतलब या कोई प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू होने वाली है। और जो दोस्तों ये इंटरव्यू जो होने वाला है ये है 3/9/2021, 3 सितंबर 2021 को 10:30 बजे के करीब ये इंटरव्यू होगा इन द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। जो ऑफिस है असिस्टेंट डायरेक्टर का डिजिटल इन्वेस्टिगेशन लैब शिमला में होने वाला है और स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल कम्प्लेक्स नियर, मतलब ये वही पे हैं जो यहाँ पे एड्रेस दिया है आपको, यहाँ जाना है स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल कम्प्लेक्स नियर लिफ्ट कार्ड शिमला वन के पास है। दोस्तों जो पोस्ट है कुछ इस तरह की रहने वाली है, ये आप देख सकते हैं। और पोस्ट का जो प्रोग्राम का नाम आपने देख लिया, प्रोग्राम का नाम ये दे रखा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। और जो यहाँ पे पोस्ट होने वाली है, पोस्ट है यंग प्रोफेशनल वन, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है वो रखी है ग्रेजुएशन इन रेवलेंट फील्ड, आप इस फील्ड से ग्रेजुएट होने चाहिए। डिप्लोमा होल्डर इन रेवलेंट एग्रीकल्चर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। टर्म एग्रीकल्चरल साइंस इंक्लूडेड ऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस, एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस, इसमें आपको 200 डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है जो होना चाहिए, तो ये नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। आपको उसका ज़्यादा पता होगा जो भी इसके रिगार्डिंग फिलअप करेंगे जो इस लाइन से जुड़ा है। तो डिजायरेबल कॉपी यहाँ पे मांग रखी है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसका कि एक्सपीरियंस होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, टेक्निक लाइक ELISA एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको ये होनी चाहिए। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और हॉफ रेंट अलाउंस वगैरह भी आपको मिलेगा। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ये दे रखी है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका ये होगा, जो मैंने जो आपका ये है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन लैब शिमला स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल नियर कॉम्प्लेक्स नियर लिफ्ट शिमला, ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आपको TADA यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इंटरव्यू आप जाएंगे सी हैव विल नॉलेज, मतलब कि इसमें क्या है कि अगर आपका जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आप इनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो, मतलब हमें रेगुलर करें एक ये बात दे रखी है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, मतलब दोस्तों जो भी इसके लिए मतलब अप्लाई करेगा या इंटरव्यू में जाना चाहता है वो अपनी जो उनके डॉक्यूमेंट है उनको ओरिजिनल जेरॉक्स कॉपी में लेके वहाँ पहुँचना है आपको, और साथ में फुली एड्रेस बायोडाटा एड्रेस मतलब अपना एक रिज्यूम टाइप अपना के आप ले जा सकते हो। टेस्ट एंड सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। प्लस टू मार्कशीट ऑफ फ्रॉम प्लस टू ऑन बोर्ड आर दिंग, मतलब आप ये आपका होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे दे रखे हैं। दोस्तों ये 12 महीने मतलब एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप देख सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट मांग रखी है वो मांग रखी है हमारी आप 21 ईयर से लेके मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम आपके 45 साल है। दोस्तों कुछ इस तरह की ये अपडेट थी, आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगेगी। इस तरह की नई नई अपडेट के लिए आप बने रहिए हिमाचल फॉरएवर के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह की नई नई अपडेट आपके पास शेयर करते रहे। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।